बच्चों हम लोग शुरू करेंगे रेडियो एक्टिविटी का अपना लास्ट लेक्चर, दैट इज न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑल्दो आई नो कि ये पार्ट आपके आईसीएसई 10th से एक्सक्लूडेड है, लेकिन बच्चों 9th, 10th, 11th, 12th इनका सारा कोर्स, सारा बेसिक आपके कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। तो मान लीजिए कोई चीज आप 9th, 10th में नहीं पढ़ते हैं, तो 11th, 12th वाला टीचर पूछेगा कि भाई आप 55 में क्या पढ़ के आए हैं। आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? इधर जूनियर क्लास का टीचर बोलेगा ये कोर्स में नहीं है, सीनियर वाला पूछेगा पढ़ के क्या आए हो। यस सर, सही बात। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं पूरा चैप्टर कवर करा दे रहा हूं, आपकी इच्छा ना हो तो ये वाला लेक्चर आप मत पढ़िएगा, जितना कोर्स में उतना ही पढ़िएगा। तो न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन में न्यूक्लियर एनर्जी दी गई है आपको। मैं बताऊं इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब हम जाते हैं किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में, ये चैप्टर न्यूक्लियर से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन से इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेल्टा एम आता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोडक्ट लेस देन मास ऑफ रिएक्टेंट होता है। जो एस्टिमेट किया गया, अभी बहुत सारे डेटा मैं आपको चेक करवाऊंगा कि रिएक्ट प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से कम होता है, यानी यहां से यहां जाने में मास डिफेक्ट हो जाता है। वो जो मास डिफेक्ट होता है, दिस मास डिफेक्ट इज नोन एज डेल्टा एम। और 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना फेमस मास एनर्जी रिलेशन दिया था। क्या दिया था? मास एनर्जी रिलेशन, अपना फेमस मास एनर्जी रिलेशन दिया। उस मास एनर्जी रिलेशन को हम लोग लिखते हैं बच्चों, ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, जिसको आप ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर कहते हैं। वहां पे मैं मास की जगह ये वाला मास डिफेक्ट ले रहा हूं, और सी जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी एनर्जी निकल आएगी। ठीक है बच्चों, अब जैसे इन्होंने पहला क्वेश्चन निकलवाया है कि एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास 1 kg, आपको निकालना है एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास 1 kg, एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास 1 kg। अब बच्चे ध्यान देंगे कि आपने लिखा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मास की जगह क्या लिखा, 1 kg लिखा, और C की जगह आपने लिखा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो ये 1 हो गया, 3×3 = 9 हो गया, और यहाँ हो गया 10⁸, 16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एनर्जी की यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो ये 9×10⁻¹⁶ जूल आ गई आपके पास। अब बच्चे ये बात जानते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हमारे पास 1 kWh इज इक्वल टू होती 3.6×10⁶ जूल, यानी इस वाली एनर्जी को, दैट इज 9×10⁻¹⁶ जूल को अगर हम कॉमर्शियल यूनिट से डिवाइड कर दें, दैट इज 3.6×10⁶, ये कैंसिल हो गया 10⁻¹⁰, और ये डिवाइड होगा। तो ये डिवाइड होने के बाद बच्चों आपका आ रहा है 2.5 × 10⁻¹⁰ kWh। यानी अगर 1 kg का मास डिफेक्ट है किसी न्यूक्लियर रिएक्शंस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पर, तो वो 1 kg इतनी इलेक्ट्रिकल यूनिट के बराबर एनर्जी पैदा करता है, 2.5×10⁻¹⁰ kWh। इसके बाद इन्होंने पूछा है एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास 1 AMU, एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास 1 AMU। बच्चों जो AMU होता है, ये होता है एटॉमिक मास यूनिट।
तो यहां ध्यान दें, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये इसी को यूनिफाइड मास भी कहते हैं, ये होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 carbon 12 एटम डिवाइडेड बाई Na हो जाता है, मास ऑफ 1 carbon atom, ये इसका कॉन्सेप्ट है। बच्चे ध्यान दें, 1/12 इंटू, अच्छा यार कार्बन 12 का जो मास है वो कितना है, 12 है। बच्चे ध्यान दें, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 6.023 इंटू 10^23 एटम्स का मास उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर होता है, यानी इतने एटम्स कार्बन 12 का मास 12 ग्राम के बराबर होगा, यानी एक एटम कार्बन 12 का मास होगा 12/6.023 इंटू 10^23, 12 से 12 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, याद रखिएगा ग्राम में है, तो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करके देखता हूं, ये आ जाएगा 1/6.023.1660.0166 इंटू 10^-23 ग्राम, यानी कि एक डेसिमल हम इधर खिसका दें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए, तो 1.66 × 10^-24 ग्राम, और बच्चों ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइडेड बाई अगर हम 1000 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1.66 × 10^-27 किलोग्राम। तो 1 AMU को पहले हमने MKS यूनिट में किलोग्राम में बदल लिया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बच्चों, अब 1 AMU का मास डिफेक्ट है तो उसका एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना है, यानी मास डिफेक्ट ये है 1 AMU का, है ना, तो आपके पास क्या हो गया बच्चों, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इज इक्वल टू 1.660 × 10^-27 किलोग्राम इंटू 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -27 तो आ रहा है 1.49 × 10^-10 जूल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला है बच्चों, बच्चे ध्यान दें 1 MeV क्या चीज होती है भाई, 1 मिलियन का मतलब 1,000,000 10^6 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10^-19 जूल, तो ये आ जाएगा 1.6 × 6 कट जाएगा 10^6, 6×9 यानी -13 जूल, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आ जाएगा 1.6 × 10^-13 जूल, और अगर इसको हम डिवाइड कर दें 1.49 × 10^-10 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10^-13, तो ये आपके पास बच्चों आ रहा है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चे ध्यान दें कि एटॉमिक मास यूनिट में 1 AMU या 1 यूनिफाइड मास का जो वैल्यू है वो हमने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे बदल के दिखा दिया है। एक मिनट बच्चों, जरा मैं कैमरा चेक कर लूँ क्या ये रिकॉर्डिंग मोड पे लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है, दिख भी रहा है बढ़िया। तो बच्चों ने देखा कि 1 AMU को हमने 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद आपको न्यूक्लियर फिशन दिया हुआ है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा न्यूक्लियर फिशन के बारे में, न्यूक्लियर फिशन, तो न्यूक्लियर फिशन में बच्चों इसमें दो साइंटिस्ट हैं 1939 में, मिस्टर स्ट्रॉसमैन एंड ऑटो हॉर्न, ये
स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराते हैं यूरेनियम 92-235 में, तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन फॉलोइंग रिएक्शन देता है यूरेनियम 92-235 + 0n1 = uranium 92-236। याद रखना कि एक तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो जाने कि ये आराम से यूरेनियम के न्यूक्लियस में घुस सकता है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो कोई रिपल्शन वगैरह नहीं लगेगा। अच्छा, एक तो इसमें न्यूट्रॉन पहले से ज्यादा है तो ये अनस्टेबल है, न्यूट्रॉन के घुसने के बाद न्यूट्रॉन और ज्यादा हो जाएंगे, यानी ये इसकी तुलना में और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा और ये तत्काल टूट जाएगा, बेरियम बनाएगा, क्रिप्टॉन बनाएगा, 30n1 बनाएगा और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा। तो बेरियम में 144-56, 144-56, क्रिप्टॉन में 89 एंड 36, तो आप देखें दिस प्लस दिस और ये वाला 3 अगर आप जोड़ें तो 235 और 1 के बराबर होगा, और 56 और 36 आप जोड़ें तो 92 के बराबर होगा। 6-6 12 के दो हंसी लगाए, 5 3 8 8 9 92 आ रहा है। तो ये रिएक्शन सेटिस्फाइड है, यानी कि इन ईच फिशन रिएक्शन द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर रिमेन कंजर्व्ड। अब बच्चों इसकी एनर्जी की कैलकुलेशन करवाई गई है, वो मैं करने जा रहा हूं आपके सामने, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। ये जो है आपके पास और ये जो है आपके पास, जरा अटेंशन पे करिए, ये जो आपके पास है ये है रिएक्टेंट और ये जो आपके पास है ये है प्रोडक्ट। और आप जानते हैं कि आपने जो मास डिफेक्ट पढ़ा है डेल्टा एम, वो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट पढ़ा है। या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे मास कम हो जाता है, वही मास E = mc² से एनर्जी में बदल जाता है, यानी इसका मास ज्यादा है इसका मास कम है। तो कुछ डेटा दिए गए हैं उसके वैल्यू के, तो वो मैं रख के आपको इसके कैलकुलेशन को चेक कराने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम 92-235 न्यूक्लियस का जो मास दिया गया है वो 234.99 mu है। इसका मास है 234.99 mu प्लस न्यूट्रॉन का जो मास दिया गया है वो 1.01 mu है। तो पहले तो हम ये दोनों जोड़ लेते हैं, रिएक्टेंट का माइनस प्रोडक्ट में बेरियम का देखते हैं। बेरियम का 143.87 mu है प्लस क्रिप्टॉन का 88.90 है, 88.90 mu है प्लस 3 न्यूट्रॉन है, यानी 3 × 3 × 1.01 इसको क्लोज करेंगे ये है। इसको सबको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो 0.20 mu आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है 0.20 mu। तो देखिए इनके जो मासेस हैं, ये जो मासेस हैं ये गिवन है क्वेश्चन में आपको, तो हमने मास ऑफ रिएक्टेंट लिया, मास ऑफ प्रोडक्ट लिया, जोड़ लिया, माइनस कर दिया, इतना आ गया। यानी ये जो वैल्यू हमारी आई है बच्चों, ये क्या आई है, मास डिफेक्ट डेल्टा एम आई है, और यही मास हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को हम एनर्जी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और क्या लिखेंगे बच्चों, E = mc² अच्छा E = mc² लिखेंगे। और अभी हम इसी रिलेशन के तहत ये निकाल चुके हैं कि 1 mu मास 931 mev में कन्वर्ट होता है, तो 0.2 mu मास 931 × 0.2 बराबर ये आ रहा है 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों ये जो एनर्जी आपकी पैदा होगी ये एनर्जी वेरियस फॉर्म में रिलीज होगी, इट विल बी शोन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, दैट इज ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो बची एनर्जी होगी
वो आपकी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी के रूप में क्या होगी, एक्सप्रेस होगी। तो ये सारी एनर्जी का कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया। एक डेटा लिखा हुआ है बच्चों, इसको पढ़िएगा कि अगर 1 ग्राम यूरेनियम 92-235 को हम फिशन कराते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है जो कि 20 टन, भाई जहां तक मैंने पढ़ा है कि 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम होता है, तो 20 टन TNT ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन एक एक्सप्लोसिव होता है जिससे पहाड़ वगैरह ब्लास्ट किए जाते हैं, उसकी एनर्जी के बराबर होता है 1 ग्राम यूरेनियम 92-235। इसके अलावा बच्चों एक डेटा और दिया है कि यूरेनियम 92-235 एंड यूरेनियम 92-238 ये दो आइसोटोप पाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, ये बहुत कम पाया जाता है। ये जो 238 आइसोटोप है ये 99.3 पाया जाता है परसेंट, और ये केवल 0.7% पाया जाता है। दिस 235 इज इजिली फिशनेबल विथ मॉडरेटली मूविंग न्यूट्रॉन्स 235, और इसको केवल फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से हम लोग फिशन करा सकते हैं, जबकि ये स्लो से भी करा सकते हैं। तो ज्यादातर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो 235 का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बच्चों कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और यूज में डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव यूज, ये आपको मैं बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। देखिए यहां पे आपने देखा कि ये यूरेनियम का एक एटम है, यूरेनियम 92-235। इस पे जैसे ही एक न्यूट्रॉन का बम्बार्टमेंट होता है, वैसे ही आप देखेंगे इसमें से कितने न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, 3, 0N1, 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 और साथ में आपके पास बेरियम एंड क्रिप्टॉन डॉटर न्यूक्लियाई पैदा होते हैं। ये न्यूट्रॉन फर्दर, भाई यूरेनियम का कोई आप रॉड लोगे, ब्लॉक लोगे, उसमें तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, ये एटम टू एटम की बात हो रही है। ये एक अलग यूरेनियम को पकड़ता है, ये एक अलग यूरेनियम को पकड़ता है, ये अलग यूरेनियम को पकड़ता है। इसके बाद हर एटम फिर से आपके कितने कितने न्यूट्रॉन रिलीज करेगा, 3 न्यूट्रॉन रिलीज करेगा, 0N1, 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 ऐसे ही रिलीज करता चला जाएगा। और साथ में बेरियम क्रिप्टॉन के या अदर कोई भी डॉटर न्यूक्लियाई आपके निकलेंगे। अब ये फर्दर एक एक यूरेनियम को पकड़ना शुरू कर देंगे, यानी अब ये 9 न्यूट्रॉन 9 एटम्स को पकड़ेंगे। और आप ध्यान दीजिए कि ये रिएक्शन कोई बहुत धीरे धीरे नहीं होती, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में एक ब्लास्टिंग मोड में हो जाती है, 1 से 3, 3 से 9। अब 9 से 3, 3 निकलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21, 22, 23, 24, 25, 27, 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
चेन रिएक्शन है। और बच्चों एक साथ कितनी ज्यादा एनर्जी आपकी अनकंट्रोल्ड एनर्जी निकलेगी आप समझ सकते हैं। यही न्यूक्लियर बॉम्ब का कॉन्सेप्ट है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। एक साथ चेन रिएक्शन से इतनी सारी एनर्जी रिलीज होती है जो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करती है। हिरोशिमा एंड नागासाकी का जो एग्जाम्पल आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं वो यही बॉम्ब्स थे। इसके बाद है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो डिस्ट्रक्टिव यूज में यही न्यूक्लियर बॉम्ब है और कंस्ट्रक्टिव यूज में कि हम इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाए, बिजली बनाए। एक जनरल डायग्राम बना के मैं क्लियर कर दे रहा हूं जल्दी से कि बच्चों पहले आपका ये इतना बड़ा ये जो मैंने ऐसे बनाया ये आपका कोर होता है। दिस इज योर कोर। इस कोर के अंदर में बच्चों ये यूरेनियम रॉड्स लगी हुई हैं। यह ध्यान दीजिएगा यूरेनियम रॉड्स लगी हुई हैं। और इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं ये कंट्रोलिंग रॉड्स लगी हुई हैं।
कंट्रोलिंग रॉड्स लगी हुई हैं। बच्चे ध्यान दें, यहां से आप ध्यान दें बेटा, बात नहीं करो, एक जनरल सा डायग्राम बनाने के मैंने समझाने की कोशिश की है कि बच्चों ये यूरेनियम की ब्लैक वाली रॉड्स लगी हुई हैं, इसको एक थिक कंक्रीट कंटेनर में, लेड कंटेनर में, स्टील कंटेनर में कवर किया गया है ताकि कोई भी हार्मफुल रेडिएशन बाहर ना आ सके। अच्छा, ये कैडमियम की रॉड होती हैं, किसकी रॉड होती है? कैडमियम की, ये ग्रीन वाली कैडमियम रॉड्स होती हैं। अगर ये रॉड आप पूरी तरह से इंसर्ट कर देंगे तो इससे जो न्यूट्रॉन निकल के इस पे जाने वाले थे उनको कैडमियम एब्जॉर्ब कर लेगा, इससे निकल के इस पे जाने वाले थे उनको भी ये कैडमियम क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सारे न्यूट्रॉन्स ये कैडमियम रॉड्स एब्जॉर्ब कर लेगी अगर इस रॉड को आप पूरी तरह से अंदर कर देंगे, और आपकी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन विल कम टू एन स्टॉप। अगर आप इसको थोड़ा सा उठा देंगे तो इन एरिया पे न्यूट्रॉन्स एक दूसरे को बम्बार्ड करने लगेंगे और आपका एनर्जी प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। और अगर आप ये रॉड बिल्कुल हटा देंगे तो ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, ये पूरा ब्लास्ट कर जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, इतनी सारी हीट पैदा हो रही है, तो एक कूलेंट मटेरियल को इसके अंदर से पास करते हैं। यहाँ पे एक पंप लगा रहता है, वो पंप इस कूलेंट मटेरियल को ऐसे सर्कुलेट करवाता रहता है, यानी ये कूलेंट मटेरियल जब यहां से आएगा तो इसके अंदर की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके चारों ओर वाटर लगा हुआ है, ये खोलता हुआ कूलेंट अपनी सारी हीट वाटर को दे देगा, वाटर स्टीम बनाएगा, यानी इसकी एनर्जी हीट के फॉर्म में स्टीम बना रही है, और स्टीम को यहां पे प्रेशर गॉज लगा के प्रेशर से टरबाइन पे डालेंगे तो टरबाइन मूव करना शुरू कर देगी, और जब टरबाइन मूव करेगी तो डायमंड से बिजली का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ये पूरा आपका हिसाब किताब है, यही कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है जो कि आपके कोर्स में दी गई है। इसके बाद बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन बताया जा रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन में आपके ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है, तो जितनी दी गई है उतना मैं बताऊंगा आपको। दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड आफ्टर दैट वी विल डू टू क्वेश्चंस एंड दिस लेक्चर विल बी फिनिश्ड। न्यूक्लियर फ्यूजन, बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शन है वो सन में होती है, दैट इज स्टार्स में होती है। सबसे कॉमन फ्यूजन रिएक्शन 1H2+1H2=2He3+0N1+3.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। यानी ड्यूटेरियम के दो न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन करते हैं तो हीलियम का ये आइसोटोप बनाते हैं, साथ में न्यूट्रॉन 3+1 4 2+2 4 2+0 2 1+1 2, और इतनी एनर्जी पैदा करते हैं। दो खास बातें कि न्यूक्लियर फिशन में एक हैवी न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन करके कंपैरेटिवली हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। एक और बात, पर यूनिट मास जो मास डिफेक्ट है, पर यूनिट मास जो मास डिफेक्ट है वो फ्यूजन में ज्यादा होता है रादर देन फिजन। तो जाहिर सी बात है E=mc² से जो एनर्जी प्रोडक्शन होगा वो फ्यूजन में ज्यादा होगा और फिजन में क्या होगा? कम होगा। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात कि बच्चों 1H2 का जो न्यूक्लियस है और यहां 1H2 का जो न्यूक्लियस है, इनको दौड़ा के आपस में फ्यूज करा के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना है। दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क,
क्योंकि बच्चों न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इतने छोटे एरिया में कंसंट्रेटेड रहता है कि इसकी मास चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो ये लगाएगा वो इनॉर्मस अमाउंट का होगा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को आसानी से ओवरकम नहीं किया जा सकता। इसको ओवरकम करने के लिए हमको इन दोनों न्यूक्लियस को 10^7 केल्विन का अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर देना पड़ता है, 10^7 केल्विन का टेम्परेचर देना पड़ता है। इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ये दोनों प्लाज्मा स्टेट में चले जाते हैं और इनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि रिपल्शन को ओवरकम करते हुए एक दूसरे में घुस जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, हैवी मास डिफेक्ट होता है जिससे हैवी एनर्जी रिलीज होती है। तो इतना टेम्परेचर अर्थ पर कहीं पर मेंटेन करना मुश्किल है। भाई आप याला मटेरियल लेंगे और इस मटेरियल को किसी कंटेनर में रखेंगे और इनको फ्यूज कराने के लिए इतना टेम्परेचर पैदा करेंगे, इतना टेम्परेचर सहन करने वाला कोई भी मटेरियल अभी अर्थ पे मौजूद नहीं है। तो ये व्यवस्था कहाँ पे अवेलेबल है? स्टार्स में अवेलेबल है, सन्स में अवेलेबल है, तो वहां हो जाता। तो हमारे पास ये प्लाज्मा इतने हाई टेम्परेचर पर स्टोर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोग थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। थर्मो माने ही न्यूक्लियर रिएक्शन हाई है। इसके बाद लास्ट के दो न्यूमेरिकल्स इसमें है बच्चों, दोनों डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ही छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो फटाक से हम आपको करवा देते हैं तो आपका काम खत्म हो जाएगा। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 शायद दिख रहे होंगे आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिख रहे हैं, बढ़िया से दिख रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जरा ध्यान देंगे। इन फिशन ऑफ 1 U-235 न्यूक्लियस लॉस इन मास इज 0.2 AMU, यानी डेल्टा एम 0.2 AMU दिया है। हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड? ई इज इक्वल टू MC² मास 0.2, ये डेल्टा लगा लीजिए, AMU है। और यार इससे हमने एक कैलकुलेशन कर लिया था कि 1 AMU होता है 931 MeV के बराबर, तो 0.2 AMU होगा 0.2 × 931 MeV, यानी बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 186.2 MeV। और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कितना लिखते हैं वो हम आपको कैलकुलेट करा चुके हैं पहले, तो आप चाहे तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हेन 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस इन सन, तो 0.0265 AMU का मास डिफेक्ट होता है, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड? तो यार 1 AMU इतना है तो इसको 931 MeV से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 24.7 MeV। डायरेक्ट दोनों छोटे छोटे क्वेश्चंस। और इसी के साथ बच्चों आपका सारा का सारा कोर्स रेडियो एक्टिविटी का आज खत्म हो जाता है। इस समय टाइम रात का 3:30 बज चुका है और हम लोगों ने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू बच्चों, बाय।